खबर सबसे पहले लखनऊ से, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन जो है वो और भी अलर्ट हो गया है। तो डिफेंस एक्सपो में लगाया जाएगा स्वास्थ्य शिविर और वायरस को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। तो डिफेंस एक्सपो में जांच मशीन, डॉक्टर तैनात रहेंगे। अमौसी एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की 24 घंटे तैनाती रहेगी। तो सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं, जहां अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं इंडो नेपाल स्पेशल बॉर्डर पर भी सशक्त सतर्कता बरती जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जाए, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना वायरस कहीं ना कहीं दस्तक दे चुका है भारत में, और इसको लेकर हालांकि भारत सरकार ने पहले ही तमाम राज्यों को अलर्ट कर दिया गया था। विशेष इंतजाम की बात यहां पर की गई थी। तमाम एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वाली तमाम जो फ्लाइट्स हैं उन पर ज्यादा सतर्कता बरतने की बात की गई थी। और अब कोरोना वायरस को लेकर यूपी में प्रशासन अलर्ट हो गया है, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। बता दें कि डिफेंस एक्सपो में अब स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा, तो वहीं इसके साथ ही कई आइसोलेशन वार्ड जो है वो भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं, और लोगों को इस वायरस के प्रति जागरूक करने की भी कोशिश अब यहां पर की जाएगी। तो डिफेंस एक्सपो में जांच की मशीनें और डॉक्टर जो है वो तैनात रहेंगे, और डॉक्टरों की तैनाती 24 घंटे यहां पर रहने वाली है। तो स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए, जिसमें अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, इंडो नेपाल स्पेशल बॉर्डर पर सशक्त सतर्कता बरती जाए, इसके भी निर्देश दिए गए। साथ ही एयरपोर्ट पर ज्यादा अलर्ट रहने को यहां पर कहा गया है, क्योंकि विदेशी नागरिक आते हैं और ऐसे में उनकी जो जांच है वो थर्मल जांच से होकर गुजरे, इसको लेकर यहां पर खास निर्देश। और अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अभी निर्देश दिए गए हैं और क्या निर्देशों के मुताबिक ही वहां पर तैयारियां हो रही है कोरोना वायरस को लेकर? आपको बता दूं, लगातार R9 टीवी कोरोना वायरस की खबरों को प्राथमिकता से दिखा रहा है। अभी जब मुख्यमंत्री ने कल निर्देशित भी किया है, कल बैठक ली थी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ, और वहाँ को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं कि एयरपोर्ट पर ज्यादातर की मशीनें लगाई जाए, और जो भी यात्री विदेश से आते हैं उनको थर्मामीटर स्कैन से होकर गुजरे और उनकी जांच कराई जाए। इसके बाद यहाँ तक बॉर्डर पर जो लोग, नेपाल बॉर्डर पर जो लोग रहे, उसकी सतर्कता बरती जाए, वहां पर भी डॉक्टर की तैनाती की जाए, वहां पर कैंप लगाया जाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, वहां पर जानकारी दी जाए, उसके को लेकर भी काफी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है सभी लोगों को, और ये कोरोना वायरस के बारे में सभी लोगों को बताया जाए। वहां पर जहाँ पर डिफेंस एक्सपो की तैयारी लखनऊ में चल रही है, वहां पर भी देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, उसके लिए एयरपोर्टों पर 24 घंटे डॉक्टर से निर्देशित कर दिए हो गए हैं, वहां तक की मशीनें भी और बढ़ाई जाए कि जो वहां पर लोग आए उनकी जांच की जाए। यहां पर डिफेंस एक्सपो में कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है, लोगों को जानकारी दी जाएगी और यहां पर कैंप लगा के जो लोग आए हैं उनकी भी जांच की जाएगी विदेश से, कि उनके द्वारा मगर कुछ मशीनें जो बच गए हैं वहां एयरपोर्ट से, तो यहां भी जांच की पूरी तैयारी की जाए। यहां तक की मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरी तरीके से यूपी अलर्ट है कोरोना वायरस के लिए। और फिलहाल अभी एक जानकारी भी प्राप्त हुई है कि चीन में एक लड़का है जो महाराजगंज जिला के लक्ष्मीपुर का रहने वाला था, वो पढ़ाई करता था वहां पर, वहां से आया था, तो उसकी जो है जांच कराई जा रही है, महाराजगंज के एक अस्पताल में उसको भर्ती कराया जाए, उसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है, कहीं उसको कोरोना वायरस तो नहीं है। इस सब पूरी जानकारी के लिए पूरी तरह से यूपी को अलर्ट कर दिया गया है, और कोरोना वायरस की जानकारी के लिए। अरुण, ऐसे में ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयारियां कर रहा है? क्या हर एक जिले में यहाँ पर तैयारियां जो है, जो सुविधाएं हैं वो जिस तरह की दी जानी है उसको लेकर पूरी तैयारी में है? क्या व्यवस्थाएं वो दी जाएंगी उस तरह से? देखिए, मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस पर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, उसको देखते हुए लखनऊ में तो सारी तैयारियां कर दी गई हैं। पीजीआई है और सिविल अस्पताल है, केजीएमयू है, यहाँ पर बेड आरक्षित कर दिए गए। यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए यहाँ पर जो कैंप डिफेंस एक्सपो में जो कैंप लगाया जाएगा, यहाँ पर 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे, यहाँ पर जांच की जाए। और जिलों में भी निर्देशित कर दिया गया है कि जो बाधक के पास के जिले हैं, महाराजगंज है और जो आपके लखीमपुर खीरी है, यहाँ के जो अस्पताल हैं यहाँ को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि बॉर्डर के आसपास के अस्पताल हैं वहां पर भी अपडेट आरक्षित कर दिया जाए। पूरी तरह से कोरोना वायरस के निपटने की पूरी तैयारी होती भी जारी है। जी
चलिए जुड़ेंगे फिर से आपके पास अरुण और ज्यादा अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कोरोना वायरस को लेकर यूपी प्रशासन ज्यादा अलर्ट यहां पर हो गया है और इसी को लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को कि पूरी तैयारी वहां पर की जाए, आइसोलेशन वार्ड यहां पर बनाया जाए। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपो में जांच मशीनें लगाई गई हैं, डॉक्टर्स भी तैनात किए गए हैं जो कि 24 घंटे वहां पर तैनात रहेंगे।